बाबा जी देखिए फ्रेंड्स आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज वीडियो। तो आज मेरा नाम है अभी, तो आप देखेंगे आज विंडो के बारे में, क्या विंडो होती है, हाउ टू बूटस्ट्रैप ऑन एच पवेलियन नॉट 15 बुक्स इनेबल लैपटॉप के बारे में आपको बताऊंगा कि आप इसके बारे में क्या होता है, जिसमें आप कुछ सेटिंग्स होती है जिसमें आप डिसेबल रेज्यूम को इनेबल करेंगे आज। तो देखिए फ्रेंड आज इनेबल कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप वीडियो को देखेंगे आगे आगे जाके आपको एक लैपटॉप। हेलो दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ से मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, जैसे कि आप इस लैब में देख रहे हैं। मैं इसको एक ऐप से प्रेस कर रहा हूँ लगातार कुछ समय तक, अपन को ऐसे ही प्रेस करना है एक ऐप्स को। तो वहाँ पर जाके मेरी स्क्रीन ब्लिंक हुई, देखिए मैं फिर से चालू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ आ नहीं रहा था, इस वजह से अपन को एक ऐप्स फिर से दबाना है। देखिए मेरी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर अपन को F10 दबाना है जो कि बायो सेटअप है। F10 दबाया तो देखिए दोस्तों मेरे सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मेन्यू सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे जाके अपन को क्लिक करना है और बूट ऑप्शन में जाके अपन को क्लिक करना है। इंटर से अपन को लगातार इंटर से प्रेस करना है और नीचे जाके लेगेसी सपोर्ट है जो कि अपना मेन पॉइंट था, इसको इनेबल करना है डिसेबल को। यहाँ पर जाके आपको पूछा जाएगा चेंजेस सेटिंग्स में के सिस्टम अपडेट्स, इसको अपन को इनेबल करना है। तो दोस्तों मैं इनेबल कर दिया इसको। यहाँ पे जाके आप नीचे देख रहे हैं यूट्यूब USB डिटेक्टेड, तो अपन को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि F5 चेंजेस F6 चेंजेस वैल्यू। मैं F6 से इसको चेंजेस कर लिए वैल्यू को डिटेक्टेड को, USB हार्ड डिस्क हो गई, F10 से दोस्तों इसको सेव करेंगे। F10 से इसमें इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर रहा हूँ सेव इन चेंजेस। मेरे पास 32 GB का ऑलरेडी पेन ड्राइव है बूटेबल 10 का विंडोज़ का, तो मैं इसको लगा रहा हूँ अपनी लैपी में। मैंने अपनी लैपी में लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें एग्जिट सेव चेंजेस आ रहा है, इसमें अपन को यस करना है, इसके लिए इंटर दबाना है अपन को। मैं F9 इसको लगातार प्रेस कर रहा हूँ F9 से। F9 प्रेस करते रहिए, कुछ देर बाद देखिए स्क्रीन ब्लिंक होने लगी और देखिए दोस्तों नंबर आ गए इस पर, ऑप्शन से मेरे पास कोड दिया गया है 6866। एक ही प्रत्येक लैपटॉप का चेंजेस कोड होता है, इससे कि अपने लैपटॉप में प्रत्येक में अलग अलग ही होगा, तो मैं अपने में डाल रहा हूँ इस कोड को 6666 डाल दिया 8666। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस कोड को दबाया है, इंटर मार दिया। देखिए फ्रेंड उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो डरिए ना दोस्तों, कुछ समय बाद आपके मैंने स्क्रीन पर ब्लिंक होने के बाद देखिए F9 अपन को प्रेस करना है फिर से और इस पर आएगा। देखिए फ्रेंड्स तो अपना HP का मेरा USB हार्ड ड्राइव ओपन हो गया है, अपन कुछ नहीं करना है, इंटर दबाना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स अपनी विंडो एक्सेप्ट हो चुकी है, तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल बाबा जी।